नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपनी वोकैब की सीरीज़ में एक और वीडियो लेके आया हूँ और आज हमारा है डे नंबर 17। और अब आप लोगों के लिए वोकैब याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जाएगा, मैं समझ सकता हूँ, पर कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा। मैं बाकी टीचर्स की तरह 10 वोकैब लेके आके आपको इमेजेस से वोकैब नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ वोकैब और वोकैब पढ़ने का वो तरीका जो एक्चुअली आपके काम आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना सारा वोकैब आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, अगर आप इमेजेस से अगर वीडियोस देखेंगे या किसी और तरीके से अगर मैं वीडियो आपको पढ़ाऊंगा, निमोनिक से आपको वीडियो पढ़ाऊंगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप पूरी तरीके से सारा वोकैब कवर कर पाओ। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कम समय में अगर ज़्यादा वोकैब सीखना। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं हिंदी भाषी बच्चा रहा हूँ और इंग्लिश मेरा सबसे ख़राब सब्जेक्ट रहा हुआ है, और इंग्लिश प्रिपेयर करने में जितनी परेशानी मुझे हुई है, और मैं मान के चलता हूँ अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो उससे कहीं ज़्यादा परेशानी आपको हो रहा होगा। जो मेथड मैं आपको पढ़ने का बता रहा हूँ यही आपके काम आएगा, बाकी सारे मेथड आपको आपके एग्ज़ाम के लिए 3-4 साल तक लेके जाएंगे। इतनी आसानी से आप 1 साल में सिलेबस ना ही कवर कर पाओगे, ना ही उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ कर पाओगे, और बहुत सारा समय वेस्ट होगा। जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं यार इस एग्ज़ाम का दर्द एकदम अच्छे से समझता हूँ और इस भाषा का दर्द भी बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो ये सबसे सही और सटीक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने वोकैब की तैयारी कर सकते हो। मेरी एक सीरीज़ और चल रही है जिसके विषय में क्लास स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी क्लासेस चल रही है ग्रामर की, शाम को जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव, और एक पीरियड लाइव बैच चल रहा है। अगर किसी की बेसिक्स बहुत कमज़ोर है तो वो माई पाठशाला ऐप में जाके ज्वाइन कर सकता है। दूसरी चीज़ है, ये क्लासेस जो है ये शाम वाली है, मंडे से लेके आपकी फ्राइडे तक है, और दूसरी सैटरडे को मेरी छुट्टी है, और संडे को क्लास मैं इसमें और रख रहा हूँ, संडे को क्लास इसमें मैं और रख रहा हूँ। संडे को यूजली कोशिश करूँगा कि मैं फुल लेंथ टेस्ट रखूँ। क्या रखूँ? फुल लेंथ टेस्ट, फुल टेस्ट, ताकि जो आप पढ़ाई कर रहे हो साथ में मेरे साथ अप्लाई करके देखते चलो कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। तो एक फुल लेंथ टेस्ट मैं मॉक सैंपल मॉक कराता हुआ चलूंगा एग्जाम तक। तो संडे को मैं टेस्ट का प्लान कर रहा हूँ, मंडे से फ्राइडे तक मैं आपको थ्योरी सिखाऊंगा, जिस थ्योरी के पोर्शन में जहाँ जहाँ गड़बड़ी है वो मेरे साथ आप इम्प्रूव कर लीजिए, और संडे को मेरे साथ लाइव टेस्ट में आइए। ये मैं मॉड्यूल रख के आपको शाम में पढ़ा रहा हूँ, और सुबह मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा का पूरा वोकैब, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको अनाउंस करूँगा, जिसको मैं अपने पर्सनल चैनल उज्ज्वल सर अनफिल्टर्ड पे चलाने वाला हूँ। उसका अभी डिसाइड नहीं किया है, 1-2 दिन में डिसाइड करके बता दूंगा कि कब क्लासेस चलाऊंगा। मुझे थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ रहा है, एक जैसे ही टाइम मैनेज हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। चलो बात करते हैं आज फिर वापस अपने इस छोटे से दिमाग की, जिसके अंदर आज हम 100 और शब्द ऐड करने वाले हैं, और साथ में 1600 शब्द और इसके अंदर ऐड हो गए हैं। आपको 1000 के आसपास शब्द पूरी तरीके से याद हो गए होंगे अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे होगे, और अगर तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे होगे तो 1000 से भी कम शब्द याद हुए होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ एक बच्चा जो बहुत समझदार है मुझे भी उसका साथ देना चाहिए, और जो बच्चा लापरवाही कर रहा है पढ़ने में, कमज़ोर है तो साथ दूंगा, लेकिन लापरवाह है तो साथ देने का कभी मन नहीं करेगा। तो बचे हुए 600 शब्द के आसपास आपको रिवीजन करने में मुश्किल हो रहा होगा। 2 डायरी मैंने बताया, एक डायरी में वो 300 शब्द जो डबल स्टार वाले हैं, और दूसरी डायरी में वो शब्द जो सिंगल स्टार वाले हैं, उसे रखो और उसे कंटिन्यूअस रिवाइज करो। इसके लिए आपको इन शब्दों को अपने दिमाग में रखने के लिए आपको तकरीबन 40 मिनट की रिवीजन की टंकी लगानी पड़ेगी, और नए शब्द को याद करने के लिए आज की क्लास लेने के लिए तकरीबन 35 से लेकर 40 मिनट तक 1.2x में इस वीडियो को देखना पड़ेगा, और फिर आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो। PDF पाने के लिए आप माई पाठशाला का टेलीग्राम चैनल या माई पाठशाला का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। चलो आज की क्लास में चलते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है 100 शब्दों में, हमारा सबसे पहला सेक्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, जो कभी आपने सुने नहीं होंगे, अपनी पढ़ाई के दौरान भी नहीं सुने होंगे, हो सकते सारे शब्द आपको नया लगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहला शब्द है फिगमेंट। फिगमेंट एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है मनगढ़ंत। ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग ही डायरेक्टली याद कर लो कि फिगमेंट का मतलब क्या होता है। फिगमेंट का मतलब होता है मनगढ़ंत, मनगढ़ंत, और हिंदी में मनगढ़ंत का मतलब तो जानते होंगे। अगर कोई बच्चा CBSE ICSE बोर्ड का है जिसको मनगढ़ंत हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो इंग्लिश के लिए स्टेटमेंट ध्यान रखें, समथिंग विच इज इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। कोई एक ऐसी चीज़ जो इमेजिन किया जाए कि वो सच है लेकिन एक्चुअली में उसकी एग्जिस्टेंस ही ना हो, तो मतलब वो मनगढ़ंत हो गई ना।
कोई एक ऐसी चीज जो मनगढ़ंत हो, उसको क्या बोलते हैं? फिगमेंट बोलते हैं। बहुत आसान सा है, फिर से रिपीट करते हैं, यही याद हो जाएगा। कोई एक ऐसी चीज जो हम वास्तविक में मान रही है लेकिन एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? फिगमेंट बोलते हैं। मनगढ़ंत चीजों को फिगमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। अगला है, ये बहुत सुना होगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथो जो शब्द होता है वो बर्ड से रिलेटेड होता है, बर्ड से रिलेटेड होता है, और जब हम लॉजी की बात करते हैं तो वो अध्ययन से रिलेटेड होता है। आईएसटी जो होता है वो अध्ययन करने वाले की बात करते हैं। तो पक्षी का जो अध्ययन करने वाला है उसको हिंदी में पक्षी विज्ञानी बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक मूवी का नाम बताओ जिसमें किसी हीरो ने कैरेक्टर किया है और जो इसी चीज़ पे बेस्ड है। अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है ना? समवन, मूवी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड्स, जो पक्षियों की साइंटिफिक स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक और शब्द आता है कि एक ऐसी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, एक ऐसी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड्स। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जो मेनी आइलैंड्स हो, बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ हो और वाटर बॉडी हो। अरे यार, समुद्र के बीच में वो एक होता है ना जिसको हम द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप होते हैं, बहुत सारे आइलैंड होते हैं तो उसको बोलते हैं द्वीप, और कई सारे अगर आइलैंड है तो उसको द्वीप समूह बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आर्किपिलाजो बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आर्किपिलाजो, आर्किपिलाजो। आर्की शब्द आ गया, ARCHI, आर्की पी लाजो, याद रहेगा, आर्की पिलागो, पिलागो पढ़ लो, पिलाजो पढ़ लो, जैसे याद कर लो, आर्की पी लागो। ये ए है, ये जी ओ है, आर्की पिलागो, याद रखिएगा, आता है आर्किपेलागो, बहुत आपके एग्जाम में आता है। 2016 मेरे एग्जाम में आया था, रट लिया था, इतना मेरे को याद रह गया था। अगला जो शब्द है वन वर्ड में वो है आर्मरी। आर्मरी उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे आर्म्स रखे जाते हैं, शस्त्रशाला जिसको हिंदी में बोल सकते हो। आर्म जहाँ रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्मरी, याद हो गया ना? आर्म जहाँ रखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आर्मरी बोलेंगे। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे आर्म्स रखे जाते हैं उसको बोलते हैं आर्मरी। अब देखो, ये शब्द बहुत आसानी से याद हो जाता है, ये शब्द बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आर्किपिलागो आसानी से याद हो जाएगा, और फिगमेंट आप याद कर लोगे कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो मनगढ़ंत हो, जिसको हम कहे एग्जिस्ट करता हो पर एक्चुअल एग्जिस्ट ना करता, उसको क्या बोलेंगे? फिगमेंट। तो आई थिंक ये सब याद हो गए होंगे। और अगला शब्द आता है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट शब्द मैं हमेशा याद करता था अरविंद केजरीवाल से, बहुत बार बोला जाता था कि अरविंद केजरीवाल एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट है। क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो भारत के जो रूल्स और लॉ बनाए गए हैं, बार बार ऐसा महसूस होता था कि वो उसके रूल्स और लॉ को मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो एक ऐसा बंदा जो बनाए गए रूल्स और लॉ को मानना ही नहीं चाहता है, बस वो अपनी मर्जी का करना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट बोलते हैं। तो वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, जो एक ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसके बनाए गए सेट रूल और पैटर्न को मानने के लिए तैयार नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट। तो जो अरविंद केजरीवाल थे, इनको कहा जाता था शुरुआती दौर में जो है कि ये एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट है। अगला शब्द है आर्डुअर। आर्डुअर, ARDOUR, आर्डुअर। आर्डुअर का मतलब होता है उत्सुकता, और क्या बोलते हैं? फीलिंग्स ऑफ ग्रेट वार्म्थ एंड इंटेंसिटी, एक ऐसी फीलिंग जो बहुत ग्रेट वार्म हो और इंटेंसिटी उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आप उत्सुक हो तो आप बहुत ज़्यादा आर्डुअर हो। क्या हो? बहुत ज़्यादा उत्सुक हो तो बहुत ज़्यादा आर्डुअर हो। ये आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आ सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आ सकता हो। आर्डुअर का मतलब होता है एंथुसियास्टिक, मतलब आपके अंदर बहुत सारा उत्सुकता है, बहुत सारा उत्साह है। अगला है नेशंस, वो सारे के सारे नेशंस या देश दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, दो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या लुक अपॉन ईच अदर करते हैं। लुक अपॉन का मतलब एक तय एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। जैसे हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना, चाइना एंड अमेरिका, रूस एंड अमेरिका, ये सब क्या एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे को मतलब ऐसा होता है कि ये दुश्मन है एक तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं? कि संदेह से देखने के लिए आस्क, आस्क मतलब पूछना होता है ना, आस्क यहाँ से लगते हैं, आस्केंस, आस्केंस, ये शब्द है आस्केंस, ASKANC, आस्केंस मतलब होता है संदेह से, संदेह से। लेकिन इसका स्टेटमेंट याद रखिए, हम कैसे बात कर रहे हैं? ऐसे नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, जो संदेह में रहते हैं, जो संदेह में रहते हैं, संदेश करने वाले नेशंस याद कर सकते हो, जिसको आस्केंस बोलते हैं, कि ऐसे नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, या लुक अपॉन ईच अदर, जो लुक अपॉन करते हैं, मतलब एक दूसरे को संदेह के घेरे से देखते हैं। लुक अपॉन ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को संदेह से देखना। तो ऐसे देश जो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को संदेह से देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आस्केंस बोलते हैं, संदेह से एक दूसरे को देखने वाले देश। इसके बाद एक और आता है, ये बायोलॉजी का शब्द है, बायोलॉजी का शब्द है मस्कुलर वॉल्ड ट्यूब्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम बाय विच ब्लड इज कन्वेड
मस्कुलर वॉल ट्यूब्स, हम वॉल ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, हिंदी में समझिए साधारण भाषा में वॉल ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, की वर्ड से ध्यान रखिएगा, वॉल ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलर सिस्टम, किसका है, सर्कुलर सिस्टम का, बाई विच जो ब्लड होता है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह से, और मेनली दैट विच हैज़ बीन ऑक्सीजनेटेड इज कन्वेड। यार देखो, आर्टरी जो होती है वो धमनी होती है, धमनी और सिराएं बोला जाता है ना, जो धमनी होती है अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्टरीज बोलते हैं। ये धमनी क्या होती है, धमनी एक्चुअली आपकी जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, परिवहन तंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, परिवहन तंत्र बोलते हैं इसको। परिवहन तंत्र में जो एक मस्कुलर वॉल होता है, एक जो ट्यूब होता है, ठीक है ना, मस्कुलर वॉल से बना हुआ एक ट्यूब होता है जिसमें आपका ब्लड जो है जाता है, और स्पेशली वो वाला वर्ड जला जाता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं उनको बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं उनको, धमनी बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। ये बायो का वर्ड है, ये किसका शब्द है, बायो का शब्द है, बायो में भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजनेटेड है। ध्यान से देखिएगा, कुछ की टर्म है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, हिंदी में धमनी बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आर्टेरीज बोलते हैं। समझ में आई बात, ये परिवहन तंत्र का एक हिस्सा है, एक ऐसे ट्यूब होती है, वॉल ट्यूब होती है, यूं यूं, तो वो क्या काम करती है, ये ब्लड लेके जाती है, लेकिन इस ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टियरीज या धमनी बोलते हैं। धमनी और सिरा का नाम सुना होगा आपने, बायो में एक बार वापस जाके चेक कीजिएगा कि धमनी क्या होता है। ए लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी, जो लिस्ट ऑफ होती है बुक की, जो लिस्टिंग होती है बोलते हैं ना कैटलॉग दे दो, कैटलॉग देख के हमें क्या पता चलता है कि क्या क्या है अंदर, तो जो लिस्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं, नामावली इसको बोलते हैं हिंदी में, कैटलॉग। अगला शब्द है पिडांटिक, पिडांटिक वो लोग होते हैं जो आडंबरी होते हैं। ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, एक ऐसी स्टाइल की बात कर रहे हैं जिसमें जो राइटर है, जो लिखने वाला है, वो डिस्प्ले करता है अपने नॉलेज का, आडंबर का नॉलेज करता है। तो पिडांटिक का मतलब सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, आडंबरी बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम ऐसे राइटर की बात कर रहे हैं जो लिख के आडंबर शो कर रहा है, मतलब दिखावा करता है अपनी राइटिंग से, तो उसको क्या बोलते हैं, पिडांटिक। पिडांटिक की हिंदी में याद रखेंगे आडंबरी। स्टेटमेंट कैसे याद रखेंगे, स्टेटमेंट ये है, स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, एक ऐसी स्टाइल जिसमें जो राइटर है वो अपने नॉलेज का डिस्प्ले करता है, ओवर डिस्प्ले करता है, मतलब वो क्या है, पिडांटिक है, आडंबर कर रहा है। किस तरीके का आडंबर कर रहा है, कि उसको बहुत नॉलेज है, वो लिख के दिखाता है, तो लिखने वाला जो, लिख के दिखाने वाला जो आडंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, पिडांटिक, आडंबरी। जो राइटर होता है अगर वो आडंबर कर रहा है अपनी राइटिंग में, ओवर एग्जेजरेट कर रहा है किसी चीज को, तो उसको क्या बोलते हैं, पिडांटिक बोलते हैं। अगला है टू बाइट लाइक ए रैट, रैट की तरह बाइट करना, इसको क्या बोलते हैं, मतलब, अच्छा इसमें ना जी साइलेंट होता है, नॉ बोलते हैं इसको, वैसे मैं अपने समय पे इसको गनॉ पढ़ के आया था, गनॉ, GNAW, तो इसमें जी साइलेंट रहता है, नॉ बोलते हैं, NAW, नॉ बोलते हैं। दांतों से कतरना, आपने चूहों को कभी देखा काटता, तो इसको बोलते हैं नॉ करना, इसमें जी जो है वो साइलेंट रहता है प्रोनाउंसिएशन में। अगला शब्द है प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इंडिविजुअल, आरोग्य आश्रम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं सैनाटोरियम, आरोग्य आश्रम को क्या बोलते हैं, सैनाटोरियम। तो एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल आदमी के लिए बहुत सही क्लाइमेट रखा जाए, ठीक है ना, आरोग्य आश्रम बोलते हैं, जो रोगों से परे हो, आरोग्य आश्रम जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट हो उसको सैनाटोरियम बोलते हैं। एक और शब्द आता है आपके एग्जाम में, एजिमिलेट करना है, एजिमिलेट करते हो जब किसी चीज़ को, तो अपना लेते हो, आत्मसात कर लेते हो, इसके लिए देखो बहुत कुछ आता है, बिकम सिमिलर टू वंस एनवायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के साथ मैच कर जाना, मिल जाना, आत्मसात कर लेना, मतलब एजिमाइलेट कर लेना, एजिमाइलेशन शब्द भी आता है इसी से बनता है, तो एजिमाइलेट जो है वर्ब हो गया, एजिमाइलेशन इसका जो है नाउन हो जाएगा, तो एजिमाइलेट करते हो मतलब किसी चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हो, एडॉप्ट कर लेते हो, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एजिमाइलेट करने का मतलब है एडॉप्ट करना, अपनाना। इसके बाद अगला जो है आपके उसमें आया कि किसी शिप का या एयरप्लेन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टर्न, उसको क्या बोलते हैं, स्टर्न। कभी हवाई जहाज में टहले हो, ठीक है ना, कभी एयरप्लेन में, कभी जो है शिप में टहले हो, उसके पीछे का एक हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टर्न बोलते हैं। अगला है ए रूम या स्पेस जस्ट बिलो द रूफ ऑफ ए हाउस ऑफ एन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, गांव में कोई रहा है, आपको पता होगा कच्चे मकान में जैसे ऊपर था, तो मकान के जस्ट नीचे एक और ऐसे वॉल रहता है, और इसमें बहुत अंधेरा, लाइट बहुत कम रहती थी, तो हम लोग गांव में इसको बोलते थे भंडरिया,
क्या बोलते थे, भंडरिया। और मम्मी जो लोग हैं, जो दादी लोग हैं, जो गाय भैंस का दूध होती थी, वो एक मटके थे, मटके में दूध रख के इस भंडरिया में रख के आती थी। दो तरीके की भंडरिया बोली जाती थी, एक तो ये हो गया जिसको अटारी भी बोल सकते हो, जिसको अटारी बोल सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा एक होता था, एक भंडरिया और बोला जाता था जिसको हम यहाँ पे ये बोलते हैं, जैसे ये लगा रहता था दरवाज़ा, तो इसको भी भंडारी बोला जाता था। इसको भी कई जगहों पे गांव में, जैसे मेरे गांव में ये, इसको भी भंडारी बोला जाता था। और इसको दूसरी जगहों पे अटारी बोला जाता है, अटारी। और यहाँ पे पार्ट ऑफ रूफ हो गया ना, जैसे कई बार देखा है, जैसे वाला छत इधर ऊपर बना हुआ है, तो एक छोटा सा सेक्शन यहाँ तक लेके आते हैं और इसके अंदर सामान स्टोर करते हैं, तो इसको अटारी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अटारी। और एटिक बोलते हैं अंग्रेजी में। अगला है जो आपके एग्जाम में 100 दफा से ज्यादा बार पूछा हो गया, वो पूछा गया होगा न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। जो चीज़ कॉइन के स्टडी से रिलेटेड है, जैसे द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन, कॉइन कलेक्शन कलेक्ट कर रहे हो, उसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। तो मैंने दो ही चीज़ इसमें याद रखी थी, कि एक तो कॉइन्स याद रखा था, दूसरा स्टडी, कॉइन्स की स्टडी याद रखी थी कि कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स ये साथ में और याद कर सकते हो। ये 100 दफ़ा से ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया होगा, 100 दफ़ा से ज़्यादा पूछा हो गया आपके एग्जाम में, मेरे वाले पेपर सेट में आया था न्यूमिस्मैटिक्स। द एरिया ऑफ ए थिएटर और कंसर्ट हॉल वेयर द ऑडियंस सीट्स, मतलब एक ऐसा एरिया जो थिएटर के अंदर या कहीं कंसर्ट करने जा रहे हो, हॉल में कंसर्ट बोलते हैं ना, कंसर्ट हॉल वेयर द ऑडियंस सीट्स, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। जब ऑडिटोरियम की जब हम बात करते हैं, जैसे मैं पिछले लेक्चरों में बता चुका हूँ, जब मैं HBTI में घुसा था, तो जैसे ही अंदर घुसता था तो बाहर जो है, बाहरी एक साइड में हॉल बना था जिसमें सामने ऊपर एक बड़ा सा स्टेज बना रहता है और बाकी बैठने लोगों की सीटिंग रहती है, तो बाहर लिखा रहता है ऑडिटोरियम। तो वही बात हो रही है कि एक ऐसा एरिया जो थिएटर में हो या किसी कंसर्ट हॉल में हो, वेयर जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, उसको क्या बोलते हैं? हम ऑडिटोरियम बोलते हैं, और जिसको हिंदी में सभागार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभागार बोलते हैं। लगभग हर कॉलेज में एक ऑडिटोरियम बना रहता है जहाँ पे बड़े बड़े फंक्शंस कराए जाते हैं। अगला है रफनेस, हार्शनेस, इल टेम्पर या इरिटेबिलिटी। ये सब अपने आप में अलग है, टेम्पर हो गया, सॉरी, इल टेम्पर हो गया, हार्शनेस हो गया या रफनेस हो गया, तो कॉमा लगा लो। रफनेस, हार्शनेस, इल टेम्पर या इरिटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? इसके लिए एक और सिनोनिम्स बनाना है। एस्पेरिटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, तो इसको सिनोनिम्स मान लो, इसको एंटोनिम्स बना मान लो, या ऐसे मान लो। इस तरीके से आपके एग्जाम में वन वर्ड फॉर्म किया था, कि कई सारे सिनोनिम्स दे दिया गया था, उसके बाद उसका एक और सिनोनिम्स आपको वन वर्ड में फाइंड करना था। इसके लिए एक शब्द लिख सकते हो, एस्पेरिटी, जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ापन या कठोरता। एस्पेरिटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन या कठोरता। अब इस शब्द में क्या ही बताऊं यार, आप एस्पायर कर रहे हो उसमें इरिटेट हो रहे हो। एस्पेरिटी में आप ऐसे कह सकते हो कि आप एस्पायर, आपकी आकांक्षा है जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, मतलब अगर आप एस्पेरिटी आपके पास है तो आपके पास कठोरपन है, आपके पास चिड़चिड़ाहट है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। चलो आगे चले। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, एंसेस्टर से या फिर फादर से जो पैसे आते हैं, जो प्रॉपर्टी आती है, उसको पैट्रीमनी बोलते हैं, पैतृक संपत्ति बोलते हैं। तो पैट्रीमनी मतलब पैतृक संपत्ति, पिता से आए, दादा से आए और पूर्वज से आए, तो पैट्रीमनी बोलते हैं उसको। उसके बाद रैंसम का मतलब होता है फिरौती, किसी को किडनैप कर लिया और उसके बाद उससे क्या मांगते हो आप? रैंसम मांगते हो। तो अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाई किडनैपर्स, किडनैपर जो पैसा मांगते हैं कि हमको दे दो तभी हम छोड़ेंगे, उसको कौन सा पैसा बोलते हैं? रैंसम मनी बोलते हैं, रैंसम, ठीक है ना, फिरौती बोलते हैं, फिरौती। अगला सेक्शन आता है हमारा किसका? हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस का सेक्शन आता है। ईडियम एंड फ्रेजेस आज के थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं। मैं पहले एक बार और चर्चा कर लूँ इसमें, कितने शब्द ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, जो आपको याद रखना चाहिए। वैसे सारे ही शब्द बहुत आसान थे। नोमिस्मेटिक्स, इसको याद रखना अलग से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका, 100 दफ़ा से ज़्यादा इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत है आने की आपके एग्ज़ाम में। रैंसम और पेट्रीमोनी भी बहुत आपके एग्जाम में आता है। वैसे सब बहुत आसान है, 2-3 बार आप रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा, लेकिन रिवीजन लेना पड़ेगा। एक बार में कुछ भी याद नहीं होता, और एक बार में ऐसे टहल टहल के कॉपी लेके रट्टा मत मारना। जैसे मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ, हर रोज ऐसे सिर्फ पढ़ना होता है, तो 40-45 मिनट में आप पढ़ लेते हो। जब यही चीज़ 4-5 दिन तक लगातार पढ़ते हो, चाहे बोल के, चाहे लिख के, चाहे समझ के, तो 4वें-5वें दिन वो ऑटोमेटिक याद होने लगता है। जब वो याद होने लगता है तो हाथ ढक के पढ़ना चालू कर दो, याद हो जाएगा। जब वो याद होने लगता है तो ढक के, दो तरीका है, एक तो पढ़ के समझ लो, उसके बाद एक बार उसे लिख लो, पढ़ के समझ लो, एक बार उसे लिख लो, और
दो तीन चार दिन तक लगातार ये काम करते रहो, जब पांचवें दिन आके देखोगे तो हाथ ऐसे एक साइड रख के स्टेटमेंट पढ़ो, इधर साइड हाथ रख लो ये पढ़ो, इधर साइड हाथ छुपा लो और मन से याद करो कि क्या बोला था, तो वो धीरे 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 याद हो जाता है। तो इस तरीके से वो क्या अच्छा याद होता है। टहल टहल के रट्टा मारोगे, जैसे बचपन में हमने रट्टू तोता की तरह रट्टा मारते थे, तो नहीं समझ में आएगा। इसको पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और तीन चार दिन तक लगातार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके शब्द याद होते हैं। चलो अगला चलते हैं। टेक लाइन डाउन। टेक लाइन डाउन का मतलब है सो के लेना। सो के लेना मतलब बेइज्जती सहन करना, कोई मतलब आपको पेले जा रहा है, पेले जा रहा है, ठीक है ना, कुछ भी बोले जा रहा है, बस आप लेटे पड़े हो ले रहे, मतलब आप बेशरम हो गए, बेइज्जती हो रही है आपकी, ठीक है ना। तो टेक टेक लाइन डाउन का मतलब होता है बेइज्जती स्वीकार करना है। एक्सेप्ट इंसल्ट। ही वॉट दैट ही वुड नॉट टेक द कोर्ट्स डिसीजन लाइंग डाउन। ही वॉट दैट, उसने कसम खाई कि वो ही वुड नॉट टेक द कोर्ट्स डिसीजन, वो कोर्ट का डिसीजन लेइंग डाउन नहीं लेगा, मतलब लाइंग डाउन नहीं लेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो इंसल्ट की तरह नहीं लेगा। तो लाइंग डाउन किसी चीज़ को लेने का मतलब इंसल्ट की तरह लेना। अगला है ब्लड रनिंग कोल्ड। जब किसी का ब्लड जो है वो कोल्ड रन होने लगता है, इसका मतलब होता है कि वो डरा हुआ होता है। मतलब कहते हैं ना कि खून का ठंडा पड़ जाना, जब खून ठंडा पड़ जाता है मतलब बहुत डरे हुए हो। खून गर्म होता है तो मतलब आप गुस्से में होते हो, खून जब ठंडा होता है तो बहुत डर रहे होते हो। तो द रेज इन हिज आइज मेड हर ब्लड रन कोल्ड। जो रेज था उसके आइज में, ठीक है ना, उसका जो ब्लड है वो रन कोल्ड कर गया, मतलब उसे बहुत फ्राइटेन कर गया, उसको बहुत डरा गया। तो जब आपका जो ब्लड है वो कोल्ड होता है, इसका मतलब आप बहुत डरते हो। अगला है प्लेइंग टू द गैलरी। जब आप प्लेइंग टू द गैलरी करते हो तो आप क्या करते हो, बिफूल द कॉमन मैन। लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना चालू कर देते हो, मतलब गलत तरीके से आप पेश आना चालू कर देते हो ताकि लोगों के बीच में जो है आप लोकप्रिय हो पाओ। तो जब आप गैलरी में प्ले करते हो मतलब आप लोगों को धोखा दे रहे हो तरीके से, ताकि आप पॉपुलर हो पाओ। पॉलिटिशियन दीज डेज आर मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग टू द गैलरी देन एक्सरसाइजिंग रियल इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड इवेंट्स। आज के सब जो पॉलिटिक्स है ना, वो सही तरीके से काम करने के बजाय प्लेइंग टू द गैलरी कर रहे हैं, मतलब वो आडंबर कर रहे हैं और उस आडंबर के दम पे वो फेमस होना चाहते हैं। तो जब आप प्ले टू द गैलरी करते हो, इसका मतलब है आप आडंबर करते हो, दिखावा करते हो, ताकि आप ज़्यादा पॉपुलर हो सको। अगला है कम आउट ऑफ वंस सेल। अपने सेल से बाहर निकलना मतलब लज्जा त्यागना, टू बिकम लेस साई एंड मोर सोशियबल। अगर आप सेल से बाहर निकल रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, लज्जा छोड़ रहे हो, पब्लिक के नज़र में आ रहे हो। अभी हैज रियली कम आउट ऑफ हिज सेल सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग हियर। जब से उसने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया है, वो वाकई में अपने सेल से बाहर आया है, मतलब अब वो थोड़ा कम शर्माता है, पब्लिक से ज़्यादा बातचीत कर रहा है। इस सेंटेंस का मतलब यही है। ले डाउन द आर्म्स। अपने आर्म्स को ले डाउन करना मतलब छोड़ना, इसका मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण करना, टू सरेंडर। द प्रिजनर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू ले डाउन दियर आर्म्स। जो प्रिजनर्स हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो अपने आर्म्स को सरेंडर कर दे। जो बंदी बनाए गए हैं उनको बोला गया, तो जब बंदी बनाए लिए गए हैं तो भाई आर्म्स तो सरेंडर कर ही देंगे वो। अगला है मेकिंग हे वाइल द सन साइंस। जो हे है ना, उसके लिए जो सन है ना, जो सूरज की रोशनी है, उस रोशनी में बहुत अच्छे से पैदा होता है, मतलब वो रोशनी में वो उपज बहुत अच्छी होती है। तो हे के लिए सूरज की रोशनी बहुत अच्छी होती है, सूरज की अगर अच्छी रोशनी है तो हे की पैदावार अच्छी होगी। तो बात वही हो रही है कि जो सुटेबल इन्वायरमेंट है उसका एडवांटेज लेना। हे के लिए जो सन है वो बहुत सुटेबल होता है, तो मौके का फायदा उठाना। इट्स नॉट इनफ टू इन्जॉइंग योर सेल्फ, यू मस्ट मेक हे वाइल द सन साइंस। ये बहुत इनफ नहीं है कि आप जो है अपने आप का खुद का इन्जॉय करो, आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो जब हम इस्तेमाल करते हैं मेकिंग हे वाइल द सन साइन, इसका मतलब यह है कि आप मौके का फायदा उठा रहे हो, आपके अनुकूल वातावरण है, उस अनुकूल वातावरण में उस अनुकूल वातावरण का फायदा उठाना, ये तभी ईडियम इस्तेमाल किया जाता है। अगला है बियर फेस्ड लायर। बियर फेस्ड लायर का मतलब होता है बहुत बेशर्म तरीके से झूठ बोलना, सेमलेस लायर्स। दैट बियर फेस्ड लायर स्टोल माई वॉच एंड सैड ही वुड फाउंड इट। वो बहुत बेशर्म जो लायर है, बहुत बेशर्म झूठा आदमी, मक्कार आदमी है, वो मुंह पे ही बोल रहा है कि भैया उसने चुराया तो है, लेकिन उसने बोला कि उसने इसे पाया है। तो जब आप बोलते हो बियर फेस्ड लायर, इसका मतलब है बहुत बेशर्म होता है, कोई बेशर्म लायर होता है। कुक ए स्नूक का मतलब होता है असम्मान दर्शाना, टू शो इम्पोर्टेंट कंटेम्प्ट। इम्पोर्टेंट का मतलब था रूड, रूड। डोंट यू कुक ए स्नूक एट माई इंस्ट्रक्शंस, आई एम योर सुपीरियर। मतलब डोंट कुक ए स्नूक एट माई इंस्ट्रक्शन, मेरे इंस्ट्रक्शन पे कुक ए स्नूक मत करो, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। मतलब उसका असम्मान मत करो, जो मैंने कहा उसे करो, असम्मान मत सो करो। अगला है ओवर हेड एंड ईयर्स। सर और ईयर दोनों में मतलब कंप्लीटली हम बात करते हैं। देवर ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेप्ट, वो मतलब पूरी तरीके से किस में, डेट में है, कंप्लीटली। ओवर हेड एंड ईयर्स कंप्लीटली।
टू कॉल इट ए डे का मतलब होता है काम खत्म करना। अभी फेज 12 का पेपर हुआ है 2024 का, ठीक है ना, अभी ये आया हुआ था। टू कॉल इट ए डे, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, दिन का काम खत्म करना, दिन का काम खत्म करना या काम क्लोज करना। जैसे मैं शाम को 7 बजे, सुबह अगर 7 बजे आ जाता हूँ, शाम को 7 बजे जाता हूँ, तो 7 बजे जब मैं वो काम खत्म कर रहा होता हूँ, तो वो मैं बोल सकता हूँ कि आई एम गेटिंग बिट टायर्ड नाउ, जस्ट लेट्स कॉल इट ए डे। मतलब बंद करो भाई, बंद करो, बहुत हो गया, टायर्ड हो गया, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो जब क्वालिटी डे बोलते हैं, इसका मतलब है कि काम खत्म करने की बात कर रहे हैं, काम समापन करने की बात कर रहे हैं। आज का दिन हो गया, क्वालिटी डे मतलब आज का दिन हो गया, बस समाप्त करो। ये अभी 2024 में आया हुआ है, टू क्वालिटी डे, और ये आ चुका है तकरीबन 20वीं दफ़ा क्वालिटी डे आपके एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं और अगला सेक्शन देखते हैं। ये हमारा है वर्ड सीरीज। ये क्या है हमारा, ये हमारा वर्ड सीरीज। वर्ड सीरीज आज के थोड़े इजी भी हैं और वर्ड सीरीज आज के थोड़े डिफिकल्ट भी हैं। ये आठ की जो वर्ड सीरीज है ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। आप जैसे देखोगे, पहला शब्द है इरेसेसिबल। इरेसेसिबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम्स आज की क्लास में हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इग्नोर करना है। जैसे टेची एक शब्द है जिसका मतलब भी चिड़चिड़ा होना होता है। ये आएगा नहीं कभी, इसका कोई फ़ायदा नहीं। क्रोटेस्टी जो है ये भी नहीं आएगा, ये भी बड़ा अजीब सा शब्द है, ठीक है ना। और ग्राउची शब्द है, ये आप याद रख सकते हो। क्रैंकी होना, ये याद हो सकता है। क्रैंक एक मूवी आई थी ना अभी, विद्युत जायसवाल की, ठीक है ना। ग्रम्पी या वॉस्पिस शब्द है, वॉस्पिस भी आपके एग्जाम में कभी आएगा नहीं, चाहो तो याद रख लो। नार्की होना, कोलरिक होना जो है, बैड टेम्पर्ड होना, कैंटेकरस होना, क्वारलसम होना, क्रैबी होना, क्रैप्ड होना या ग्रमी होना या इरिटेबल होना, ये सब क्या है? ये सब इरेसेसिबल, चिड़चिड़ा होने का वो होता है। तो इरेसेसिबल का मतलब होता है हिंदी में चिड़चिड़ा, हैविंग और शोइंग ए टेंडेंसी टू बी इजिली एंगर्ड, जो आसानी से जो है गुस्सा आ जाए, उसको हम इरिटेबल बोलते हैं। कैंटेंकरस बोलते हैं, कैंटेंकरस का मतलब झगड़ालू होता है। कैंटेंकरस का मतलब झगड़ालू, झगड़ालू वही लोग होते हैं ना जो चिड़चिड़ा जाते हैं, झगड़ालू, इसको झगड़ालू चिड़चिड़ा ही तो बोलते हैं। क्वारल समझो, क्रैबी हो, क्रैप्ड हो, ग्रम्पी हो, बैड टेम्पर्ड हो, कोलरिक हो, नार्की हो, वास्पिस हो, क्रैंकिक हो, ग्राउची हो, टेस्टी हो, ठीक है ना। टेची, ये शब्द है टेस्ट, टेची। तो ये सारे शब्द इनको ना ही याद करो तो ज़्यादा सही है। यहाँ तक एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, ये सारे शब्द आप याद रख सकते हो अपनी जानकारी के लिए, ठीक है ना। अगला शब्द है प्रोमिस्कुअस। इसको याद करने का एक तरीका है कि जैसे मान लो मैंने किसी को प्रॉमिस किया, ठीक है ना, प्रॉमिस करने के बाद प्रॉमिस तोड़ दिया, पूरा नहीं किया, तो उसका जो नेचर होता है प्रोमिस्कुअस हो जाता है। क्योंकि प्रॉमिस नहीं हुआ तो मतलब अविवेकी हो जाता है, जिसके पास विवेक ना रह जाए, इनडिस्क्रिमिनेटिव नेचर हो जाए। क्या हो जाए? इनडिस्क्रिमिनेटिव नेचर हो जाए, या प्रोफिलगेट नेचर में हो जाए, वो इमोरल हो जाए, डिसिपिएटेड हो जाए, डिबाउज्ड हो जाए, करप्ट हो जाए जो है, ठीक है ना, या फिर विग्ड हो जाए, दुष्ट हो जाए, सिनफुल हो जाए, रिप्रोबेट हो जाए, लैक्स हो जाए, डिसोल्यूट हो जाए, वॉन्टन हो जाए, इररिस्पॉन्सिबल हो जाए या हेडलेस हो जाए, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करूं इस शब्द को अविवेकी होने का, ठीक है ना, अविवेकी होना, किसी को प्रॉमिस किया, किसी को प्रॉमिस तोड़ दिया। इसको याद करने का तरीका है कि प्रोमिस्कुअस का मतलब अविवेकी होना होता है। तो जैसे मैं सिनफुल का बोल दूं कि मतलब वो आदमी जो पापी हो, पाप से भरा हुआ, पाप से, सिन का मतलब पाप होता है, पाप से भरा हुआ, ठीक है ना। जब मैं विक्ट बोलूं तो इसका मतलब होता है दुष्ट है। तो जो अविवेकी लोग होते हैं वो दुष्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके सिनोनिम्स में आता है, करप्ट हो, डिबाउज्ड और करप्ट एक ही बात है, ठीक है ना। डिसिपेटेड हो मतलब आपके पास विवेक ही नहीं है, लैक्स इन नेचर, डिजिल्यूट इन नेचर, ठीक है ना। वॉन्टन, जिसको बहुत ज़्यादा चाह हो, वॉन्ट मतलब चाह है, वॉन्टन नेचर के हो तो मतलब आप बहुत अविवेकी हो, बहुत चाह है, विवेक जैसी कोई चीज़ नहीं है आपके पास। इमोरल नेचर के हो, इररिस्पॉन्सिबल हो, अविवेकी हो तो उसको बोलते हैं ना इमोरल नेचर के हो, इररिस्पॉन्सिबल हो। तो ये सारे के सारे इसके सेनानम्स हैं। इसको याद करने के तरीके यही होते हैं कि आप एक शब्द पकड़ो, उसकी हिंदी याद करो। इसी में अगर प्रोमिस्कुअस नेचर के हो, जैसे मैं बोलूँ मैं प्रोमिस्कुअस हूँ, तो मैं अविवेकी नेचर का हूँ, मैं सिनफुल नेचर का हूँ, मैं विग्ड नेचर का हूँ, मैं करप्ट नेचर का हूँ, डिबाउज नेचर का हो सकता हूँ, मैं वॉन्टन नेचर का हो सकता हूँ, इरिस्पॉन्सिबल नेचर का हो सकता हूँ, डिजोल्यूट नेचर का हो सकता हूँ, लैक्स नेचर का हो सकता हूँ, रिप्रोवेट नेचर का हो सकता हूँ, प्रोफिलगेटिव हो सकता हूँ मैं, मतलब इमोरल नेचर हो, अविवेक हो नेचर। तो इसको याद करने के यही तरीके होते हैं, एक शब्द से पकड़ के अपने मन में आत्मसात करना, अपने से कोरिलेट करना। मैं ज़्यादातर चीज़ों को अपने से कोरिलेट करके याद करता था।
आप अपने से कोरिलेट कर लो, अपने दोस्त से कोरिलेट कर लो। जैसे बात आ गई कि यहाँ पे प्रोमिस्कुअस का मतलब अविवेकी, तो मैंने बोला मैं प्रोमिस्कुअस नेचर का हूँ, मैं अविवेकी हूँ, मैं सिंफुल हूँ, मैं पापी, मैं विक्ट, मैं करप्ट, मैं इमोरल, ठीक है ना, मैं वॉन्टन, मेरी जो है चाह बहुत है, मैं वॉन्टन नेचर का हूँ, मेरी चाह बहुत है, बहुत इरेस्पॉन्सिबल हूँ, मैं लैक्स हूँ, मतलब मेरे को बहुत चाहत है, मैं डिजिलीट नेचर का हूँ, मतलब मेरे को सब कुछ चाहिए। तो मैं इस तरीके से कोरिलेट करता हूँ और इन शब्दों को अपने अंदर अपने ही ऊपर समा लेता हूँ, अपने ही नेचर में समा लेता हूँ। तो ये मेरा एक तरीका था याद करने का, जिस तरीके को अपना के आप याद कर सकते हो। जैसे इस शब्द से आपको 12-13 शब्द सीखने को मिलेंगे, यहाँ से आपको 10-12-13 शब्द सीखने को मिलेंगे, तो अपने आप में ही 40-45 शब्द आपने यहीं से सीख लिए। लेकिन ये 40-45 शब्द भी आपने सीखे कैसे, लगभग सिमिलर मीनिंग में, लगभग सिमिलर मीनिंग में आपने सीखे। तो जब आप यहाँ पे सीख लोगे तो आपके शब्द भंडार बहुत बड़े हो जाते हैं, शब्द भंडार बहुत बड़े हो जाते हैं। बाद में इनके अलग अलग यूज केस, इनके अलग अलग डिफरेंसेस समझने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार 60-70% इन शब्दों का नेचर समझ लिया तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है जब जरूरत पड़ती है तब आप वहाँ पे सीख जाते हो। समझ में आई बात? लेकिन एटलीस्ट यहां आप समझ जाते हो कि किस नेचर में इनका यूज होता है। अगला है जैसे प्रोपिनक्विटी बोलते हैं, इसका मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, करीबी होना, समीपता होना किसी से, ठीक है ना, पड़ोस में होना किसी के। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एडजेसेंट होना नज़दीक होना, क्लोज होना नज़दीक होना, एफिनिटी में होना किसी के साथ, मित्रता में होना, नियर होना, नाइबर होना, ये सब क्या है, ये सब आपके ऐसे शब्द है जो विसिनिटी हो गई, कॉन्टिग्युटी हो गई, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस होना तो कॉन्टिग्युटी मतलब लगातार होना, एफिनिटी, किनशिप, ठीक है ना। अगला लास्ट शब्द है कॉन्सन गिवनिटी, तो ये सारे के सारे शब्द नियरनेस से है, समीपता से है। वो समीपता कैसा भी हो सकता है, बाजू में हो, पड़ोस में हो, रिलेशनशिप में नज़दीक में हो, तो ये सब समीपता से रिलेटेड शब्द है। तो आज के शब्द देख रहे हो, ये 3 शब्द सीखोगे तो 30 शब्द सीखोगे, 3 शब्द सीखोगे तो 30 शब्द देखोगे। तो आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ इसकी मीनिंग पढ़ के निकल के जा सकते हो? मीनिंग पढ़ के नहीं निकल के जा सकते हो, इसमें 10-15 मिनट दोगे तो आप यहीं 30-35 शब्द सीखोगे, और 30-35 शब्द आपको ये पता चल जाएगा सिंगल मीनिंग के इर्द गिर्द मूव करने वाली हैं, लगभग 80% 90% क्लोज मीनिंग में होते हैं। जल, नीर, पानी, मतलब तो एक ही है ना, सब पर्यायवाची है, तो सिनोनिम सही क्या है, पर्यायवाची तो बोलते हैं ना हिंदी में, पर्यायवाची अंग्रेजी में सिनोनिम्स बोलते हैं। अगला है आर्टफुल, आप आर्ट से भरे हो, आर्टफुल हो मतलब आप धूर्त हो, आप धूर्त हो। तो जब आप धूर्त हो तो आपको करप्ट बोल सकते हैं, इसका मतलब इसके पहले आपने एक शब्द सीखा प्रोमिस्कुअस, तो आप क्या कह सकते हो इसका सिनोनिम्स है, बिल्कुल सिनोनिम्स है इसका, ठीक है ना। एड्रॉयड शब्द हो गया, डेक्स्ट्रस शब्द हो गया, एडप्ट मतलब निपुण हो गया, श्रविड चालाक, ठीक है, इंट्रीगुइंग बोलते हैं, ट्रिकी बोलते हैं, स्ले बोलते हैं, क्राफ्टी, फॉक्सी, विली, अगर आप क्राफ्टी हो, फॉक्सी हो, विली हो, स्लाई हो, ट्रिकी हो, इंट्रीगुइंग हो, श्रविड का मतलब चालाक, चालाक आर्ट पुल धूर्त चालाक, ठीक है ना। एडप्ट का मतलब क्या होता है, निपुण, निपुण हो, चालाक हो, निपुण या फिर चालाक, डेक्स्ट्रस। एंटोनिम्स नहीं बताऊंगा क्योंकि सिनोनिम्स में ही बहुत सारे शब्द हैं, सिनोनिम्स से ही बहुत सारे शब्द हैं। उसके बाद फैटुअस एक शब्द है जिसका मतलब बुद्धिहीन होता है, सिली एंड पॉइंटलेस, तो इसके लिए सिली इस्तेमाल करते हैं सिनोनिम्स में। और सिनोनिम्स में देखोगे तो लूडिकरस एक शब्द है, लूडिकरस हो गया जिसका मतलब होता है बुद्धिहीन होना, जर्की होना, एब्जर्ड मतलब असंगत होना, वैकुअश होना, चाइल्डिश होना, ठीक है ना, प्यूरियल होना, प्यूरियल होना, फुलिस होना, स्टूपिड होना, माइंडलेस होना, इडियोटिक होना, इनेन होना, ठीक है ना, वैकुअस होना, विटलेस होना, प्यूराइल होना, एजिनाइन होना, ड्राफ्ट होना, इम्बेसाइल होना, ये सारे के सारे शब्द किससे हैं, बुद्धिहीन होने से रिलेटेड शब्द है। तो फैटुअस होना, आप देखो कितने सारे शब्द यहाँ पर सीखोगे, सिली, पॉइंटलेस, ल्यूडिक्रस, जर्की, एब्जर्ड, वैकुअस, चाइल्डिश, प्यूराइल, फुललेस, स्टूपिड, माइंडलेस, इडियोटिक, इनसेन, वैकुअस, विटलेस, प्यूराइल, एजेनाइन, ड्राफ्ट और इम्बेसाइल शब्द जैसे हैं, ये सब बुद्धिहीन से रिलेटेड है, कम बुद्धि से, हीन बुद्धि से, नॉर्मल बुद्धि से रिलेटेड शब्द हैं सारे के सारे। सोचो कि 13-14 शब्द आपको सीखने को मिल रहे हैं एक एक सिनोनिम्स में, क्या आप इसे सीखोगे, आप इसे सीखोगे? नहीं सीखो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपको बहुत सारे शब्द सीखने पड़ते हैं, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिख लिख के आपको सीखना पड़ता है और रिलेट करना पड़ता है कि आप फैटुअस हो, आप बुद्धिहीन हो, आप
प्यूरिल हो जो है तो आप बुद्धिहीन हो, आप लुडिक्रस हो तो बुद्धिहीन हो, जर्की हो, एब्जर्ड हो, असंगत हो, वैकुअस हो, चाइल्डिश हो, इसका मतलब जो शब्द जिसके, जैसे आप प्यूराइल हो इसका मतलब आप फुलिस हो या स्टूपिड हो, आप माइंडलेस हो, इडियोटिक हो, इनेन हो का मतलब हो गया आप इडियट हो, डाफ्ट हो, इनेन हो, एजिनाइन हो मतलब माइंडलेस, आपके पास दिमाग ही नहीं है, प्यूराइल है आप बिल्कुल ही विटलेस हो, बुद्धिहीन हो, इम्बेसाइल हो मतलब बुद्धि है ही नहीं है, इम्बेसाइल हो। तो आप एक शब्द से इसको रिलेट करके सीख सकते हो, ये याद करने के यही तरीके, इसके सिवा सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने का दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा एक और तरीका है जिसमें इनके प्रॉपर यूज केस को समझना होगा, जिसमें बहुत सारा समय लगेगा। इन 13 शब्दों को अगर मैं आपको इमेज और इनके यूज केस के हिसाब से, इनके यूज केस के हिसाब से बताऊं तो एक एक शब्दों को याद करने समझने में बहुत सारा समय जाएगा, वीडियो में बहुत सारा समय जाएगा, पढ़ने में बहुत सारा समय जाएगा, तो सारे शब्दों को आप समझ नहीं पाओगे। इसका सही तरीका यह है कि यही एक तरीका है आपको अपनाना है, जैसे आपने कहा फैटुअस है, बुद्धिहीन है, अगर कोई चीज़ फैटुअस है तो आपके दिमाग में हो गया बुद्धिहीन है। अब आपको बताओ कोई चीज़ फैटुअस है इसका मतलब कोई चीज़ लुडिगरस है, कोई चीज़ लुडिगरस है मतलब बुद्धिहीन है, कोई चीज़ लुडिगरस है इसका मतलब जर्की है, और जर्की है तो सिली हो सकता है मतलब बुद्धि नहीं है, या इसके बाद अगर बात करो तो कोई चीज़ अबजर्ड है, अबजर्ड की मान लो आपको हिंदी मीनिंग पता होगी, याद होगी कि कोई चीज़ असंगत है, कोई चीज़ असंगत है तो आप इसको ऐसे रिलेट करते सकते हो कि कोई चीज़ अबजर्ड है या इसका मतलब वो वैकुअस है, अगर वैकुअस है तो इसका मतलब चाइल्डिश, चाइल्डिश मतलब बुद्धि नहीं होती है, कोई चीज़ प्यूराइल है इसका मतलब कोई चीज़ फुलिस है या स्टूपिड हो सकती है वो चीज़, ठीक है ना, माइंडलेस हो सकती है, इडियोटिक हो सकती है, कोई चीज़ इनेन है तो इडियोटिक है, वैकुअस है मतलब फुलिस है, विटलेस है फुलिस है, तो आप जो सब जानते हो उसी के मीनिंग के संदर्भ में उसे याद करो, इंग्लिश के इंग्लिश मीनिंग के संदर्भ में याद करो तो आप याद कर सकते हो, लिख लिख के समझ समझ के इसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये वो तरीका है जो मैं करता रहा हूँ, आज तक करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा, वही तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर जब इनकी ज़रूरत पड़ती है इंडिविजुअल शब्द के यूज केस की, तो वहाँ पे हम उनकी अलग से उस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अभी हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं वो कैप के पर्पज़ से, तो हमको इसको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। नियर मीनिंग में बोलते हैं ना, नियर मीनिंग में आता है, एग्जैक्ट मीनिंग में नहीं आता, नियर मीनिंग में। सिनोनिम्स होता है क्या है, सिनोनिम्स होता है मतलब नियर मीनिंग में, एग्जैक्ट मीनिंग में नहीं। अगला शब्द आते हैं परक्विजाइट है, परक्विजाइट का मतलब होता है विशेषाधिकार, परक्विजिट का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ए बेनिफिट विच वन इंजॉयज और इज इंटाइटल्ड टू ऑन अकाउंट ऑफ वंस जॉब और पोजिशन, जिसको कहते हैं प्रिविलेज होना। अगर आपके पास परक्विज है, परक्विजाइट है, ठीक है ना, परक्विजाइट है मतलब विशेषाधिकार है, मतलब आपको प्रिविलेज है, तो आप पर्क बोल सकते हो, बोनस बोल सकते हो, ग्रेचुएटी मतलब सलियाना होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट बोल सकते हो, सप्लीमेंट बोल सकते हो, प्रिविलेज, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, ये आपके इसके सिनोनिम्स हो गए। तो विशेष अधिकार है, प्रिविलेज में हो, तो विशेष अधिकार याद मत करो, प्रिविलेज बहुत नॉर्मल सा शब्द है जिससे आप याद कर सकते हो कि अगर आपके पास जो है परक्विजिट हो जो है तो आप प्रिविलेज हो, आपके पास पर्क है, बोनस है, ग्रेचुएटी है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, सप्लीमेंट, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, समझ में आए, इसको ऐसे याद करो। उसके बाद अगला शब्द है एग्जरकेट, एग्जरकेट का मतलब होता है घृणा करना, फील और एक्सप्रेस ग्रेट लोथिंग फॉर, कर्स, कर्स मतलब पाप, अभिशाप, एवहार नफरत, डिनाउंस नफरत, सेंसर एबोमिनेट, लोथ हेट, कंडम डिस्पाइस, डिप्लोर रिवाइल, विलिफाई, एग्जोरिएट और डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब हेट होता है, डिटेस्ट मतलब हेट होता है, लोथ मतलब हेस्ट होता है, एबोनेट मतलब हेट होता है या कर्स होता है, डिनाउंस मतलब निंदा होता है, सेंसर मतलब निंदा होता है, एबहॉर मतलब नफरत होता है, नफरत निंदा सब एक ही बात तो है, नफरत, कंडम करने का मतलब किसी का खंडन करना होता है, खंडन करना मतलब निंदा करना, खंडन करना, ये सब इसके नियरली मीनिंग सेम है। स्पिरिटेड का मतलब होता है आप बहुत एक्साइटेड हो, ठीक है ना, जोशीलो हो, फुल ऑफ एनर्जी एंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, आर्डेंट बोल सकते हो आप इसको, अगर आप स्पिरिटेड हो तो आप आर्डेंट हो, क्या हो, आर्डेंट हो, जोशीले हो, आर्डेंट हो, अगर आप स्पिरिटेड हो तो आप आर्डेंट हो, आप जोशीले हो, समझ में आई बात, करेजियस हो, विगोरस हो, डाउंटलेस हो, निर्भीक, डाउंटलेस का मतलब होता है निर्भीक, जोशीला, निर्भीक, लाइवली हो, विवासियस हो, जिंदा दिल हो, एनर्जेटिक हो, एनिमेटेड हो, क्या लिखा है अगला शब्द, स्पिरिटेड है, स्पिरिटेड, स्पिरिटेड है नहीं यार, दिखाई भी नहीं दे रहा दूर से, डायनामिक हो गया, वाइब्रेंट हो गया, बोयांट हो गया, फर्वेंट हो गया, जीलस हो गया, इलेटेड हो गया, इबुलियंट हो गया, स्पार्की हो गया,
सही सब्जेक्ट का भाई यार ये। चलो एक बार देखते हैं। स्प्रिग टली, कौन इसका प्रोनाउंसिएशन बताएगा यार, प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए डिफिकल्ट है। स्प्रिटेड बोलते हैं, स्प्री घटली शब्द लिखा है, स्प्रिगटली, स्प्रिगटली बोल सकते हो इसका कोई। यार नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को प्रोनाउंसिएशन बताए, मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में इसका ये दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। गूगल करके मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका मतलब जो सीला होता है, ठीक है। मैं छोड़ता हूँ, मैं भी आप में से एक ही हूँ यार, कई सारे शब्द के प्रोनाउंसिएशन तो मेरे को भी गूगल करने पड़ते हैं। अगला शब्द है विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब होता है जहरीला या घातक, तो फैटल बोल सकते हो, मेलिग्नेंट बोल सकते हो, टॉक्सिक, वेनमस, नॉक्सियस, वीसियस, मेलासियस, स्प्लेंटिक, परनेसियस, स्पेक्टिक, इंजरियस, बेनफुल, बेलफुल, ये सारे के सारे शब्द हैं। आज लगता है मेरी टीम ने बहुत सारे जो है सिनोनिम्स भर दिए हैं। आइडली मैं तीन चार वो सिनोनिम्स लेके आता हूँ क्लासेज में, जिन तीन चार सिनोनिम्स में, जैसे हम ये सब तो चुनाव करते हैं जो एग्ज़ाम में आया है, इनके तीन चार वैसे सिनोनिम पिक करते हैं जो पिछले साल किसी ना किसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे नए शब्द भी इसमें गूगल करके डाल दिए गए हैं, जिसका कोई मीन नहीं बनता कि आप उनको पढ़ो। जैसे मैं बताता हूँ, मैं सब में ही देख रहा हूँ, सब में ही देख रहा हूँ। जैसे डेडली हो गया आपका, एक सब सही है, फैटल, मेलिग्नेंट आपके एग्जाम में आता है, टॉक्सिक आता है, वेनमस आता है, नॉक्सियस आता है, वीसियस आता है, मलेशियस आता है, स्प्लेंटिक ये शब्द नहीं आता आपके एग्जाम में, परनेसियस आता है, सेप्टिक शब्द नहीं आता है, ये नहीं आता है, याद कर लो, इंजरियस तो मान लो है, ये बेनफुल आता है, बेलफुल आता है, ठीक है ना। तो ये कुछ दो शब्द ऐसे हैं जो मेरे को देखने को मिल रहे हैं, ये जो है नॉक्सियस ये नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये एक दो शब्द है जो आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, स्प्लेंटिक और सेप्टिक, स्प्लेंटिक एंड सेप्टिक, ये आपके दो एग्जाम में कभी देखने को नहीं मिले हैं, ये दो शब्द स्पेशली गूगल करके डाल दिए गए हैं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो, आ गए हैं तो। कॉन्ट्रोवर्ट की बात होती है तो विरोध करना होता है, कॉन्ट्रोवर्ट करना मतलब अपोज करना, विरोध करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, तो कॉन्फाउंड करना, रिफ्यूट करना, काउंटर करना, चैलेंज करना, अफ्यूज करना, रिफ्यूट करना, आर्गू करना, कॉन्टेस्ट करना, काउंटरेक्ट करना, रिपल्सिव, तो सारे शब्द आसान शब्द हैं, ठीक है। कॉन्फाउंड एक नया शब्द है जो आप सीख सकते हो इसमें जो है इसके सिनोनिम्स में, तो कॉन्ट्राडिक्ट करना, तो कॉन्ट्रोवर्ट करने का मतलब होता है जो है विरोध करना, विरोध करना, विरोध करना, कॉन्ट्रोवर्ट करने का मतलब होता है। तो आज के जो वर्ड सीरीज हैं उसमें से थोड़े से सिनोनिम्स ज़्यादा रहें, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ शब्द आप इसमें से हटा भी सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे शब्द पढ़ो, लेकिन आज की क्लास में कर लो। अगली क्लास में ध्यान रखूंगा कि मैं ये जो दो चार ऐसे शब्द है जो है तो सिनोनिम्स पर बहुत इररिलेवेंट है, वो 10 out of 10 डिफिकल्टी लेवल है, आपके SSC के एग्जाम में जो मैक्स डिफिकल्टी लेवल आता है वो 7 out of 10 आता है। 7 out of 10 का मतलब ये होता है कि 10 में से पूछा जाए तो 7 लोग उन शब्दों को जानते हैं जिनकी ग्रामर एवरेज है, जिनकी इंग्लिश की नॉलेज एवरेज है। तो SSC जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो मान के चलती कम से कम में आपके पास जो मैक्स डिफिकल्ट लेवल आता है 7 out of 10 आता है। आइडली जो आता है आपको 4 out of 10 आता है, मतलब 10 लोगों से अगर शब्द पूछा जाए तो 4 लोग उसका जवाब दे देंगे और 6 लोगों को उसका जवाब ना मालूम हो। एक दो क्वेश्चन आता है जो 7 out of 10 डिफिकल्टी लेवल में आता है, 10 out of 10 डिफिकल्टी लेवल में नहीं आता है। तो आज की क्लास में कुछ सिनोनिम्स ऐसे थे जिनकी डिफिकल्टी लेवल 10 out of 10 है, कि किसी जनरल पब्लिक से जिनको इंग्लिश आती है अगर खड़े होकर पूछ दो तो 10 में से कहो 10 में से एक भी ना बता पाए। तो 10 out of 10 डिफिकल्टी लेवल का मतलब 10 में 10 ना बता पाए। अगला है आपका जो फ्रेजल वर्ब है वो है कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए सुटेबल होना, किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए उपयुक्त होना। आई एम कट आउट फॉर द प्रोफेशंस ऑफ टीचिंग, मैं मतलब टीचिंग वाले प्रोफेशन के लिए कट आउट हुआ हूँ, मतलब इसी के लिए बना हूँ, इसीलिए सुटेबल हूँ। अगला है डॉन अपॉन। डॉन अपॉन का मतलब है किसी चीज़ को समझना। डॉन अपॉन मी दैट सम स्ट्रेंज एंड सिली ट्विस्ट हैड टेकन प्लेस इन द होल प्लॉट ऑफ द ड्रामा। डॉन अपॉन मी, मेरे ऊपर भरोसा करो, ठीक है ना। डॉन अपॉन मी दैट सम स्ट्रेंज, क्या करना है, टू अंडरस्टैंड करना है। डॉन अपॉन मी दैट सम स्ट्रेंज एंड सिली ट्विस्ट हैड टेकन प्लेस इन द होल प्लॉट ऑफ द ड्रामा। इसको हिंदी कैसे रिलेट करें यार, हिंदी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि टू अंडरस्टैंड करना कहाँ मीनिंग बढ़ रहा है। डॉन अपॉन मी मतलब मुझे समझ में आ गया कि कुछ जो स्ट्रेंज और सिली ट्विस्ट हुआ है, वो पूरे ड्रामा का जो प्लॉट बनाया गया, जो आप स्टोरी सुन रहे हो, वो मेरे को समझ में आ गया है। डॉन अपॉन मी, मेरे को समझ में आ गया है कि कुछ स्ट्रेंज और सिली हुआ है, सिली ट्विस्ट हुआ है इस ड्रामा के अंतर्गत, प्लॉट किया गया है। तो डॉन अपॉन मी मतलब मेरे को समझ में आया है, या मेरे को सूझा है। डॉन अपॉन मी, मेरे को सूझा है। तो डॉन अपॉन का मतलब समझ में आना या सूझना या अंडरस्टैंड होना।
अब देखो ये आए चाहे ना आए, ये आपके एग्जाम में करीब करीब 200 दफा पूछा गया। ये मैंने कई बार आपको बताया है, डील इन और डील विथ, ठीक है ना। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, डील इन का मतलब होता है व्यवहार करना, टू हैंडल निपटना, ठीक है ना। डील विथ समवन, ठीक है ना। सी डील्स इन शुगर, वो शुगर का व्यापार करती है। आई कैन नॉट डील विद द स्टूपिड पीपल, मैं जो स्टूपिड पीपल है उनको जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, सहन नहीं कर सकता हूँ, हैंडल नहीं कर सकता हूँ। फिर डाई डाउन है अगला, ग्रेजुअली डिसअपियर। कोई चीज़ अगर डाई डाउन हो रही तो धीरे 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 वो जीड़ हो रही है, धीरे धीरे वो कमजोर हो रही है। द रूमर्स विल डाई डाउन, जो रूमर्स है, जो अफवाहें फैली, वो धीरे धीरे डाई डाउन हो जाएगी, मतलब धीरे 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 नष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो देखो डाई डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म होना, ये याद भी हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होना ये याद भी हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये तो मान लो आपके एग्जाम में आता ही आता है। डॉन अपॉन का मतलब होता है समझ में आना, अंडरस्टैंड होना। कट आउट फॉर का मतलब होता है कि मैं बना हुआ हूँ। तो आज के जो ये फ्रेजल वर्ब्स है बहुत आसान भी है, जो बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डील इन डील विथ कई बार बता चुका हूँ तो ये याद भी हो जाएगा। डाई डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे कमजोर होना। डॉन अपॉन का मतलब सूझना होता है। और कट आउट फॉर का मतलब होता है मैं इस चीज़ के लिए कट आउट फॉर हुआ हूँ, मतलब मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। तो ये पांच के पांचों आपके फ्रेजल वर्ब याद हो जाएंगे। और आज के दिन जो सबसे डिफिकल्ट था पढ़ना समझना, वो था वर्ड सीरीज। वर्ड सीरीज में बहुत सारे शब्द थे, डिफिकल्ट भी थे, जिनके प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। कुछ कुछ के तो, एक के तो मेरे ही नहीं समझ में आया कि उसको क्या बोले, अपन बगैर गूगल के उसे बोल भी सही से नहीं सकते हैं। फिर अगला जो आपके एग्जाम में आता है, एक आता है बॉर्न ऑफ और बॉर्न टू। देखो बॉर्न मतलब पैदा होना है, ऑफ का इस्तेमाल आप एक्टिव वॉइस में करते हो और बॉर्न टू का इस्तेमाल आप पैसिव वॉइस में करते हो, बस इतनी ही बात है, ठीक है ना। सी वॉज बॉर्न ऑफ ए ब्यूटीफुल मदर या पेरेंट्स, ठीक है ना। जब पेरेंट्स के लिए बात करते हो तो नहीं यार, है तो पैसिव वॉइस में ही है, बॉर्न टू पैसिव वॉइस। ए सन वॉज बॉर्न टू हर। देखो जब पेरेंट्स का चर्चा करते हैं ना, जैसे मदर या पेरेंट्स का है, तो सी वॉज बॉर्न ऑफ ए ब्यूटीफुल मदर या पेरेंट्स, ए सन वॉज बॉर्न टू हर। जब स्पेशली वो क्या कहते हो कि पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हो और पेरेंट्स का नाम नहीं लेते हो, दूसरा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो, तो जो है टू का इस्तेमाल करते हो। बियरिंग ऑन होता है, इसका मतलब होता है रिलेशन टू। योर स्पीच है नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग, जो तुम्हारा स्पीच है, जो हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो तुम्हारा भाषण है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो बियर ऑन होने का मतलब होता है संबंध होना, लेना देना होना होता है, लेना देना, लेना देना होता है। बीसेट विथ, बीसेट विथ होने का मतलब होता है सराउंडेड विथ, किसी चीज़ से घिरा होना। इंडिया इज बीसेट विथ मेनी प्रॉब्लम दिस देश, जो भारत है, जो देश है हमारा, बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। अगला है बिलीव इन, बिलीव इन का मतलब होता है टू हैव फेथ, अपने आप में फेथ होना। आई बिलीव इन हिम, मैं उसके अंदर जो है भरोसा करता हूँ, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार है। तो ये रहे आपके जो है फिक्स प्रिपोजिशन आज के दिन के। और अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन कुछ हमारे पास क्लोज टेस्ट के लिए यूजफुल वर्ड्स हैं। एक है बेल, एक बेल का मतलब होता है जैसे अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही है, उसकी स्पेलिंग होती BAIL, जिसका मतलब होता है जमानत। एक होता है BALE, बेल का मतलब होता है गट्ठर, ए लार्ज बंडल ऑफ गुड्स, किसी सामान का एक गट्ठर, जिसको भी बेल बोलते हैं, उस बेल की स्पेलिंग में BALE आता है। और जो बेल होता है जिसका मतलब होता है जमानत, ये होता है बेल। अगला शब्द है बीटीफिक और बीटीट्यूड, बीटीफिक एंड बीटीट्यूड। बीटीफिक का मतलब आनंदप्रद है और बीटीट्यूड का मतलब है परम सुख है। तो अब आनंदप्रद और परम सुख में क्या ही फ़र्क है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स भी तो हो सकते हैं, बस इनके यूज के समझ लो। यहाँ है फीलिंग जॉय एंड पीस, मतलब अगर आप कोई चीज़ मतलब जॉय या पीस महसूस कर रहे हो शांत में, और यह स्टेट ऑफ ब्लिस, ब्लिस इंडनेस। अब देखो क्या है कि ये और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही तो है, तो इंटरचेंज होके इस्तेमाल तो हो सकते हैं ना। अब सेंटेंस में यू देखो, द स्माइल दैट स्पीड अक्रॉस जैज फेस वॉज ब्यूटिफिक फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड रिलीफ। और दूसरा सेंटेंस दिया है, मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ ब्रिंगिंग इनर ब्यूटी, इनर ब्यूटीट्यूड, इनर बेनेडिक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं ब्यूटीट्यूड की बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऊपर वाले सेंटेंस में ब्यूटीफिक कि जैस फेस जो है वो कैसा है, वॉज ब्यूटीफिक कि बहुत ही ज़्यादा आनंदप्रद है, बहुत ही ज़्यादा आनंदप्रद है, किसका, जय का फेस। तो और यहाँ पे इनर ब्यूटी ब्यूटीट्यूड, यहाँ पे जब अगर आप देखोगे मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ ब्रिंगिंग इनर ब्यूटी इनर ब्यूटीट्यूड, तो ये भी नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल है। और यहाँ पे अगर ये देखोगे जय जो जय का फेस है वो क्या है, ब्यूटीफिक है, तो ये क्या है, ये एग्जेक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल है यहाँ पे। तो पर मीनिंग सेम ही है, ये एग्जेक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल है, ठीक है ना, और ये नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल है, बस इतना ही फर्क है इन दोनों में, लेकिन मीनिंग लगभग सेम ही है,
मीनिंग लगभग लगभग सेम ही है। वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, कभी नहीं आया आज तक, लेकिन हो सकता है कभी भूले भटके पूछ दिया जाए। तो जितना अपन 9000 वर्ड्स पढ़ा रहे हैं ना, 9000 वर्ड्स जरूरी नहीं है कि वो सारा, मतलब मैं उतना एरिया कवर कर रहा हूँ जितना एरिया कवर करने के बाद जो है आपके दिमाग के परछक्के उड़ जाएंगे, आपके दिमाग के परछक्के उड़ जाएंगे। क्योंकि पूरा का पूरा जो 90 डेज में, अभी तो 17वां दिन है, मेरे को लगता है कि अब तक पढ़ते पढ़ते आपकी हालत ख़राब हो गई होगी कि सर कितने शब्द पढ़ा रहे हो। एक पतली सी किताब लिखी है मैंने 90 डेज वोकैब प्लान में, उसको पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। जब पूरा पढ़ लोगे तो कोई शब्द बाहर से मिलेगा नहीं, आपको सब कुछ पता होगा। लेकिन मेहनत तो देखो करना पड़ेगा यार, जब तक मेहनत नहीं करोगे बात तो बनेगी नहीं यार। मेहनत मतलब मेहनत करना पड़ेगा, बहुत प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप अच्छे से मेहनत करोगे बात नहीं पड़ेगा। तो ये रही आज की आपकी वो कैब की क्लास, ठीक है ना, ये रही आज की आपकी वो कैब की क्लास, ये है डे नंबर 17, डे नंबर 17, ठीक है ना। देखो कुछ कुछ इसमें ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट शब्द भी होंगे आज की क्लास, उनको डबल स्टार करके अलग से कॉपी में रखिएगा, फिर उनको अलग से अंडरस्टैंड कीजिएगा, अलग से समझिएगा, लेकिन पूरा सीरीज़ प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कीजिएगा। आखिरी तक जाते जाते आप देखोगे आपके पास इतने सारे शब्द हो जाएंगे, याद करना मुश्किल होगा और मुश्किल होगा और मुश्किल होगा, लेकिन लगातार मेहनत करेंगे तो सब का सब याद हो जाएगा। रिवीजन के बहुत सारे ऐसे सही सही तरीके हैं जो मैं पूरे 90 दिन की सीरीज़ में चलते चलते आपको समझाऊंगा। अभी तो अपन पहुंचे हैं डे 17 में, मतलब मैं अभी बोलूँ तो अपन अभी 20% भी नहीं कर पाए हैं। 15 छक्का 90 होता है, तो मतलब 1/6 के आसपास, 1/6 के आसपास अभी हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। वो कैप का सिलेबस 1/6 के आसपास पूरा हुआ है, मतलब 5/6 अभी और मेहनत करनी है, 5/6 अभी और मेहनत करनी है। सिर्फ आज अभी 17वां क्लास है, आज अभी 17वां क्लास है। 20 क्लास के बाद मेरे को लगता है कि प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी हो जाएगी इन शब्दों की। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ कुछ भी याद नहीं रह जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब सर से निकल जाएगा। चैलेंज यहाँ से स्टार्ट होता है। शुरू के 10 दिन तो बहुत मज़ा आया होगा आपको करने में, 12 दिन 15 दिन, 17वां दिन है, मतलब थक के 90% बच्चा यहाँ से भाग जाएगा। शुक्र है मेरा इस बात का कि मैं ये देख पा रहा हूँ जिन बच्चों ने शुरुआत किया है, काफ़ी सारे बच्चे लगातार सीरीज़ को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। कैसे पता चलता है? क्योंकि वीडियो कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता, वीडियो के व्यूज़ नहीं जाते, 5-6 घंटे तक वीडियो चलती नहीं है, फिर सडनली शाम को बच्चे वीडियो देखना चालू करते हैं तो वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट होते हैं और हर रोज़ वीडियोज़ देखी जा रही है। तो इससे अपने को एनर्जी भी मिल रही है, सीरीज़ को अपन कंटिन्यू कर पाए। चलो अगली क्लास डे 18 में मैं थोड़ा सा गैप दूंगा, डे 17 तक आप पूरा करो, और मैं 2 दिन का गैप रखता हूँ, 2 दिन का गैप रखता हूँ आपके लिए, ताकि 17 दिन में जो वोकैब मैंने पढ़ाया है वो 17 दिन के वोकैब को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। जो 600-700 शब्द ऐसे होंगे जो बार बार भूल रहे होंगे उनको थोड़ा टाइम दे लो। आज के कुछ वोकैब होंगे जो ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, जो ज़्यादा समय चाहिए होगा, तो मैं रिवीजन के लिए थोड़ा समय दे रहा हूँ। उसके बाद फिर अपन जो है 1/6 ऑफ द सिलेबस कर चुके हैं, तो फिर वापस अपन क्या काम करेंगे, अपन आगे की तरफ मूव करेंगे। मैं तब तक मीनवाइल 2 दिन में मैं इनके टेस्ट कंडक्ट कराने की कोशिश करता हूँ, और जब टेस्ट कंडक्ट कराऊँगा तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं 2 दिन के लिए जयपुर में हूँ, मैं यहाँ से संडे नाइट को निकलूँगा आपकी क्लासेस लेके, और ट्यूसडे मैं वहाँ पर रहूँगा। हमारा ऑफलाइन सेंटर है जयपुर में, वहाँ पे बच्चों के साथ मुलाकात करूंगा, टीम के साथ मुलाकात करूंगा, फिर ट्यूसडे नाइट को ही वहाँ से निकलूंगा, वेडनेसडे मॉर्निंग को वापस ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा कानपुर में, फिर मैं वापस आपकी क्लासेस सुचारू रूप से लेना चालू करूँगा। चलो अपना ख्याल रखो और खूब मेहनत से इस सीरीज़ से अपनी तैयारी करते रहो।